अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डर गए थे बियान, अगर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो रात हो गई है, हमें चलना चाहिए। पर जाएंगे किधर? जंगल में तो कोई रास्ता ही नहीं है। हम शायद उधर से आए थे। चलो मौली। चलो मौली, डरो मत, मैं हूं ना। हम लोग इतनी कठिनाइयों से निकले हैं, यहां से भी निकल जाएंगे। यार तुम हो, इसी बात की तो चिंता है हमें। जानते हो ना गांव वाले हमारी दोस्ती के बारे में क्या सोचते हैं? वैसे भी हमारा नाम से जुड़ गया तुमसे। चलो मौली, हर बड़े में यही होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि धीरज से काम लो। यार तुम नहीं समझ रहे हो, अगर लड़की देर रात तक बाहर रहती है तो लोग अपना धीरज खो देते हैं, इसलिए जैसे भी हो हमें यहाँ से निकलना ही होगा। मौली, तुम्हें कब से लोगों की चिंता होने लगी? यार हमारा नाम तो जन्मजात खराब है, पर हमारे चलते हम तुम्हारा नाम खराब नहीं होने दे सकते हैं। मौली, तुम समझ नहीं रही हो, उन लोगों ने हमारी जान लेने की कोशिश की है, वो अभी भी यही कहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना। यार तुम नहीं समझ रहे हो, हमारे पास समय नहीं है, हमें बस बस जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। मौली, मौली, शायद शायद मैं बोल जा गई। मत मानो बात, अब सुबह तक यहाँ वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। मौली,
साहब अपनी अपशगुनी और अमंगली लड़की का रिश्ता हमारे बिहान के लिए लेकर आए हैं। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, मैं रिश्ता मान नहीं सकत। लक्ष्मी नहीं, कुलक्ष्मी है ये। अब उसकी काली रात, काली रात। सौभाग्य को खाने वाला कहाँ चल रही है ये? और भाई दोनों को खा गई है ये। ठाकुर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, छोड़िए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आज हमें मत रोकिए राजकुमारी जी। ठाकुर साहब, मैं समझ रही हूँ, बहुत जल्दी मैं आपकी सारी चिंताएं दूर कर दूंगी। छोटी मालकिन, मौली अब तक घर नहीं आई। लगता है मेरे गुंडों ने काम कर दिया है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ और अपने साथ किसी को ले जाओ और पता करो कि मौली कहाँ है। जाओ। ए शंभू, अरे हमने बिहान का देखा का कहीं? नहीं पंडिताइन, हमने नहीं देखा। जाने जमाना कहाँ रह गया? अरे पंडिताइन, ठाकुर साहब के घर में काई नहीं देखती है, वहाँ बैठा होगा घर जमाई बन के। अरे जमाना। वाह चाची। सुब बोले तो बोले, चलनिया बोले जिमें 72 छेद। चाची अब एक काम क्यों नहीं करती, अपने नकारे लड़के को ही कहीं का गजमाई क्यों नहीं बना देती? हमारे देवर जी तो ऐसे ना है। अम्मा जी प्रणाम। खुश रहो। जा रे जमाना, अगर अपने ससुराल की इतनी ही फिकर थी तुम्हें तो इतने दिन मायके में क्या कर रही थी? यहाँ काम कर करके कमर टूट गई हमारी। चलो। सुबह हो गई और हम अभी तक यहीं पर हैं। मौली आराम से। यार सुबह हो चुकी है, पता नहीं क्या हंगामा हो रहा होगा घर पे। और हम है कि अभी तक इसी जंगल में फंसे हुए। बिहार, क्या तुमने भी वही सुना जो हमने सुना? हाँ मौली, लगता है रोड कहीं आसपास ही है। पंडित जी सही कहते हैं, कस्तूरी कुंडल में बस और हम ढूंढने बंद भाई। रात भर जिस रास्ते को ढूंढते ढूंढते पागल हो गए थे वो हमारे आसपास ही है। चलो मौली, क्यों बेमतलब खुद को दुख दे रही हो? प्यान हमें उतारो, प्यान सब देख रहे हैं, उतारो हमें, प्यान उतारो हमें।
यार है जमाना, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। शिव 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 शिव, महाशिवरात्रि की पूजा से पहले कैसा पाप देख लिया। चल तू भी उस लड़की से। मौली तुम ठीक हो ना? इतने पढ़े लिखे होकर भी ये काम। काका आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। एक मिनट, तू तो पढ़ाई करने गया था ना, ये है तेरी पढ़ाई? हाँ, ये तेरी मास्टरनी है, इसके बगैर तेरी पढ़ाई पूरी नहीं होती है। चाची चाची, इसमें प्यार की कोई गलती नहीं है। तुमसे बोले हम कि हमारे बेटवा की तरफदारी करो? ये देखो जो लड़की सारी रात गायब रही उसके गिटर पिटर सुनो जरा। चाची एक लड़की के लिए उसके रिश्ते की सफाई देने से ज्यादा दुखदायी और क्या हो सकता है? पर क्या करें, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। चाची हुआ ये था कि हम और पियान द्वारा उसकी माँ को लेकर ही आ रहे थे, पर रास्ते में वो कुछ गुंडों ने हमें। इसी वजह से हमें लौटने में देर हो गई थी। मौली बचपन से लेके आज तक तुम्हारी हर कहानी पर भरोसा किया है मैंने, पर आज केवल मेरा ही नहीं, अपने पापा का नहीं, पूरे गांव समाज का भरोसा तोड़ा है तुमने। और अब तुम चाहती हो कि तुम्हारी इस कहानी पर भी हम भरोसा कर लें? छोटी माँ, अगर हम रोहन और उसकी माँ को ला लेते ना, हमें कोई सफाई नहीं देनी पड़ती। मौली गलती करना बुरी बात नहीं, पर गलती करके उसे ना मानना बुरी बात है। चलो तुम्हारी इस कहानी को मान लेते हैं, पर जिस गायत्री को पूरा गांव नहीं जानता ये कैसे मान ले कि गायत्री को बचाने के लिए गुंडे आ गए थे? आप तो जानती हैं ना उन्हें। तो हो सकता है वो गुंडे आप ही ने भेजे हो। बस करो। बड़े बाबूजी, बड़े बाबूजी, मैं जानता हूं इस बात पे भरोसा करना बहुत कठिन है, लेकिन सच यही है कि गलती मौली की नहीं छोटी मां की है। हमेशा अपना बेटा माना, और आज तुम हमारी पत्नी पे कीचड़ उछाल रहे हो, और भी इस लड़की के लिए।
18 साल पहले इस लड़की की वजह से हमने अपना पहला बेटा खो दिया था, और आज हमारे लिए हमारा दूसरा बेटा भी मर गया। मैं महेंद्र प्रताप सिंह हमारे और तुम्हारे रिश्ते का आज मैं अंतिम संस्कार करता हूं। जिसे हमने बेटा माना वही आस्तीन का सांप निकला। पर तुम कैसे भूल गए, तुम्हारा पूरा परिवार हमारे कर्मों पर पल रहा है। तुम्हें तो ये पता ही होगा कि तुम्हारी पूरी जमीन जायदाद तुम्हारे रिश्तेदारों ने हड़प ली थी। तुम लोग सड़क पे थे, तुम्हारे पास रहने को घर नहीं था। तुम्हारे पूरे परिवार को पनाह हमने दी। मैंने सहारा दिया तुम्हारे पूरे परिवार को। तुम्हारे बेरोजगार भाई को हमने रोजगार दिया अपने राइस मिल में। मीना के घर वाले कभी दीपक के साथ उसकी शादी नहीं करते। हमने बात करी उनसे, हमने शादी करवाई। एक बेटे से ये बात हम बोलना तो नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारी पूरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हमने उठाया। तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम आज कलेक्टर बनने के सपने देख सको। कभी नौकर नहीं माना हमने तुम्हारे बाबूजी को, हमने तुम्हारी मां को कभी नौकरानी नहीं माना, हमेशा उन्हें भाभी का दर्जा दिया। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए हमने हमेशा बड़ा दिल दिखाया, और तुमने क्या किया, तुमने हमारी पीठ पर छुरा घोंप दिया। बड़े बाबूजी, मैंने हमेशा आपको अपने बड़े बाबूजी माना, लेकिन आपने कभी दिल से हमें अपना नहीं माना। जिस दिन कुछ काबिल बना मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। बड़े बाबूजी, जब कोई एहसान जताता है ना, तो फिर वो एहसान एहसान नहीं रहता। जिस दिल में आपके लिए हमेशा से प्यार और इज्जत थी, आज आपने अपने एहसानों के तीरों से उसे लहूलुहान कर दिया। आपने मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन एक सच ये भी है, आपके एहसानों का बोझ इतना था कि मेरे बाबूजी कभी मुस्कुरा नहीं पाए। मेरी माँ ने हर दिन आपके घर के चूल्हे में अपना हाथ जलाया है। दीपक भैया ने रात दिन आपके लिए पसीना बहाया है। अरे तो क्या मुफ्त की रोटी तुड़वाते?
दादी माँ आप बड़ी हैं, आपको कुछ भी कहने का हक है, लेकिन बाबूजी जब से मैंने होश संभाला मैंने एक ही बात सोची है कि भले ही मैं आपके घर का कर्ज ना चुका पाऊं लेकिन जिस दिन कुछ काबिल बना मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, पाई पाई चुका दूंगा। तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है बिहार, तुम चले गए तो हमारा क्या होगा? बड़े बाबूजी आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने सह लिया, आपने मेरी बेइज्जती की, मैंने सह लिया, आपने मेरे परिवार को जलील किया, मैंने सह लिया, बस इसलिए कि मैंने हमेशा आपको अपने बड़े बाबूजी माना है, लेकिन आपने कभी दिल से हमें अपना नहीं माना। और बाबूजी जहां पे मान ना हो सम्मान ना हो वहां पे रहने का कोई मतलब नहीं।